अस्सलाम वालेकुम। ये शॉर्ट वीडियो है, इसमें मैं आपको अगर आपके घर में कोई मरीज़ हो और उसको ज़्यादा ख़तरा हो कैसे पहचानेंगे उसके बारे में बात करना चाहूँगी। ज़्यादा ख़तरे की निशानियों में एक तो ये होता है कि मरीज़ एकदम गड़बड़ हो जाता है, उसको बातें भूलने लगती हैं, बेहोशी सी अगर तारी हो, उसके अलावा बहुत तेज़ बुखार हो या जिस्म में जिस तरह वो जिसको कहते हैं लरसना बहुत ज़्यादा हो, तेज़ बुखार हो, दिन रात में छोटा पेशाब बिल्कुल ना किया हो, सांस में मसला हो, ऐसे लग रहा हो कि अभी कुछ ना हुआ तो मैं मर जाऊंगा, मरीज़ को बहुत ज़्यादा शिद्दत से तकलीफ़ होती है, या फिर जल्द के ऊपर कोई बहुत ख़तरनाक कोई अचानक से कोई दाग वगैरह पैदा हो जाए तो आपको मरीज़ को फ़ौरन हस्पताल पहुंचाना चाहिए। हॉस्पिटल में डॉक्टर जो है मरीज़ को ऑक्सीजन लगाएंगे, अगर ज़रूरत होगी तो ड्रिप लगाएंगे, खून के टेस्ट करेंगे, पता चले कि गुर्दे तो ख़तरे में नहीं है, खून तो बहुत कम नहीं है, कोई तेज़ जरासीम बुखार वाली बीमारी तो नहीं है। एंटीबायोटिक यूजली तो 3 घंटे के अंदर अंदर लगती है अगर ज़रूरत पड़े। ये सब चीज़ें जो हैं डॉक्टर को पता चलता है कि ज़रूरत है कि नहीं, इसके लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर के साथ प्लीज़ आप तआवुन करें जब अस्पताल पहुँचे। इंशाल्लाह जो माहिर डॉक्टरान होते हैं वो अपना काम जल्द अज जल्द करते हैं, लेकिन आपको घर में पहुँचाना है, मरीज़ को टाइम पे पहुँचाना है, क्योंकि कभी कभी हमारे पास मरीज़ इतने देर से आते हैं कि वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसलिए अगर इनमें से कोई ख़तरे की निशानी हो तो आप मरीज़ को टाइम पे पहुँचाएँ। ये मैं आपको लिख के भी साथ में चार्ट लगा दूँगी। अस्सलाम वालेकुम।